श्रद्धा कपूर की हालिया रिलीज हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। इसी बीच अभिनेत्री के वर्क फ्रंट पर बड़ी जानकारी सामने आई है। खबरों की माने तो श्रद्धा अगली फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएगी। इस न्यूज से उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। श्रद्धा कपूर एक तरफ फिल्म स्त्री 2 की सफलता का आनंद ले रही है, वहीं दूसरी ओर अच्छी खबर ये है कि वो अब मच अवेटेड फिल्म ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म क्रिश 4 की मुख्य महिला का किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म क्रिश 4 के मेकर्स ने श्रद्धा कपूर से संपर्क किया है। हालांकि किसी और से कोई पुष्टि या कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि रोशन परिवार के मन में हमेशा से फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में श्रद्धा कपूर थी। इसका अंदाज़ा उस रहस्यमय पोस्ट से लगाया जा सकता है जो कई हफ्ते पहले श्रद्धा कपूर ने पोस्ट किया था। श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक शानदार सेल्फी शेयर की थी। हालांकि सेल्फी के साथ लिखा गया कैप्शन खुश करने वाला था। श्रद्धा कपूर ने पोस्ट को कैप्शन दिया था, जादू जैसी धूप की ज़रूरत है, जिस पर उनके कई प्रशंसकों ने रिएक्ट भी किया था। लेकिन एक जवाब तो वास्तव में सबसे अलग था, वो ऋतिक रोशन का था जिन्होंने लिखा वो आ रहे हैं उन्हें बताएंगे। इस पर श्रद्धा ने जवाब देते हुए कहा कब क्या कहाँ बताएं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सिद्धार्थ आनंद क्रिश 4 का निर्देशन कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद पहले भी साथ में कई बार काम कर चुके हैं। दोनों ने बैंग बैंग, वॉर और फाइटर में काम किया था। इनमें से वॉर और फाइटर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब हुई थी और करोड़ों रुपए छापे थे। फिल्म का पहला भाग कोई मिल गया साल 2003 में रिलीज हुआ था। इसमें ऋतिक और प्रीति जिंटा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दूसरे भाग का नाम क्रिश रखा गया था, जिसे 2006 में रिलीज किया गया था। इसमें प्रीति जिंटा की जगह प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थी। फिल्म का तीसरा भाग क्रिश 3 कई साल बाद 2013 में रिलीज हुआ था। तो आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।